ओवर से मिलके बना हुआ है, फैगिन। फैगिन मीन्स कि क्या होता है, ईट। एंड सेकंड साइटोसिस का मैंने अभी आपको बताया था। क्योटोस मीन्स कि क्या होता है, सेल। मीन्स कि फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम कौन से मटेरियल को इंटेक कर रहे हैं, लार्ज लेकिन कैसे होने चाहिए, सॉलिड मटेरियल, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। मीन्स कि इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ द लार्ज साइज सॉलिड मटेरियल आर नोन एज द फैगोसाइटोसिस। इसलिए फैगोसाइटोसिस को हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज द सेल ईटिंग, आल्सो नोन एज द सेल ईटिंग। कैसे प्रोसेस होता है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। कोई भी बाहर से सॉलिड मटेरियल आया, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, क्या बनाएगा, लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनवैगिनेट कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। इस कप स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, वेसिकल। वेसिकल का नाम क्या आएगा, फैगोसाइटिक वेसिकल, बिकॉज कौन सा प्रोसेस करवा रहे हैं, फैगोसाइटोसिस। वेसिकल्स के चारों ओर एक प्लाट, एक प्रोटीन की कोटिंग है। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, क्लैथरिन। एक प्रोटीन आएगा जो क्या करवा के जाएगा, वेसिकल को पिंचिंग, मीन्स की सेपरेट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रोटीन का यहाँ पे क्या नेम आता है, डायनेमिन। डायनेमिन जिसका मेन काम होता है पिंचिंग ऑफ द वेसिकल। जैसे ही वेसिकल यहाँ से सेपरेट हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लैथरिन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज। क्लैथरिन रिलीज, रिलीज हो गया। अब यहाँ पे जो वेसिकल बनी है जिसके पास क्या है, लिगेंड भी और रिसेप्टर भी, इसको हमने क्या बोला, फैगोसोम। फैगोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, फैगोलाइसोसोम। लाइसोसोम है तो लाइसोसोम्स ने क्या किया, लिगेंड्स को ले लिया और जो रिसेप्टर है उसको किसको दे दिया, फैगोसोम को। फैगोसोम्स ने क्या किया, अगेन उसको कहां पे लेके गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और रिसेप्टर को क्या करवा दिया, रिसाइकल। लेकिन जो बाहर से जो मटेरियल आया लार्ज साइज का, कौन सी फॉर्म में, सोलर फॉर्म में, इसको यहाँ पे डिग्रेड किसने करवाया, लाइसोसोम ने। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवट ऑफ द सेल। फैगोसाइटोसिस का सिर्फ आपको इतना से याद रखना था कि सोलिड मटेरियल आएगा, लार्ज साइज सोलिड मटेरियल। नेक्स्ट इज द पिन।